कैथलेट्स, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने सर्किट एनालिसिस का यूनिट जो फर्स्ट है उसके 6 पार्ट्स देखे थे, और लास्ट हमने स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन कंप्लीट कर लिया था। स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन में हमने देखा था कि किस तरीके से जो स्टार नेटवर्क होता है या टी नेटवर्क होता है उसको डेल्टा में, जैसे कि पाई नेटवर्क में, कैसे बदलते हैं और सर्किट को किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। आज हम देखते हैं एनर्जी सोर्सेज के बारे में। एनर्जी सोर्सेज का मतलब हो गया कि कितने तरीके के एनर्जी सोर्सेज हमारे सर्किट में अवेलेबल होते हैं, उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो दो तरह के एनर्जी सोर्सेज होते हैं, एक होता है हमारा इंडिपेंडेंट सोर्स और दूसरा होता है डिपेंडेंट सोर्स। तो एनर्जी सोर्स का मतलब क्या हुआ कि वो ऊर्जा के स्रोत जो कि हमारे सर्किट के अंदर करंट या वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, ऊर्जा प्रोवाइड करते हैं जिससे कि सर्किट के अंदर धारा का प्रवाह होता है, उन्हें ही हम एनर्जी सोर्सेज कहते हैं। हम अपने सर्किट के अंदर या तो वोल्टेज सोर्स यूज़ करते हैं, वोल्टेज का स्रोत, या फिर करंट सोर्सेज। तो सबसे पहले हम देखें, जैसे कि मैंने बताया दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा इंडिपेंडेंट सोर्स और दूसरा होता है डिपेंडेंट सोर्स। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि जो किसी और पर निर्भर नहीं करते, वो स्रोत, वो एनर्जी के स्रोत जो कि अपने जो कि एनर्जी के जो भी उन्हें ऊर्जा पहुंचानी है सर्किट के अंदर, वो उनकी जो वैल्यू है वो किसी और के पैरामीटर पर डिपेंड नहीं करती, वो आत्मनिर्भर होते हैं। जैसे कि सपोज़ कीजिए एक वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स लगा है, उसकी जो इंटेंसिटी होगी, उसकी जो स्ट्रेंथ होगी, मैग्नीट्यूड की वैल्यू होगी, वो अगर किसी और पैरामीटर पे जो नेटवर्क के अंदर कनेक्ट किया गया है उसके बदलने से नहीं बदलती है, उन्हें ही हम इंडिपेंडेंट सोर्सेज कहते हैं। इंडिपेंडेंट सोर्सेज को आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है, उनको जो हम सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं वो सर्कल में रिप्रेजेंट करते हैं। करंट के लिए एक एरो बना होगा और वोल्टेज के लिए प्लस माइनस बैटरी से उसका नोटेशन किया जाएगा। ये है हमारा इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और ये है हमारा इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब हो गया जो किसी और पर निर्भर करते हैं। तो जैसे कि एक वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स हमारे सर्किट में लगे हैं, उनकी जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू है, उनकी जो स्ट्रेंथ है, जो भी वैल्यू वो सर्किट में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी वैल्यू अगर पैरामीटर कोई भी सर्किट के अंदर, नेटवर्क के अंदर कोई और पैरामीटर्स लगे हुए हैं, उनके बदलने से इसकी स्ट्रेंथ भी बदल जाती है, तो उसे हम डिपेंडेंट सोर्सेज कहते हैं। मतलब कि जैसे कि अगर कोई करंट वोल्टेज सोर्स लगा है जिसकी वैल्यू किसी दूसरी ब्रांच में फ्लो होने वाले करंट पे डिपेंड कर रही है या वोल्टेज पे डिपेंड कर रही है, तो उसे हम बोलेंगे डिपेंडेंट सोर्सेज जो किसी और पर निर्भर होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कि किस तरीके से हम वोल्टेज और करंट सोर्स को, डिपेंडेंट करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को एक रोम्बस जैसे शेप पे नोटेशन होता है और करंट का भी रोम्बस शेप होती है। तो जो डिपेंडेंट होंगी उनकी शेप रोम्बस होगी ऐसे, और जो इंडिपेंडेंट होगी उनकी शेप, उनका सिंबल होगा सर्कल। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे जो वोल्टेज सोर्सेज लगे हैं, वो वोल्टेज सोर्सेज आइडियल और प्रैक्टिकल किस तरीके से होते हैं। तो जैसे कि हम देखें आइडियल सोर्सेज, आइडियल का मतलब होता है जो कि प्रैक्टिकली नहीं है, मतलब कि आदर्श वोल्टेज सोर्स हम किसे कहेंगे। तो एक यहाँ पे जैसे दो सोर्सेज मैंने बताए गए हैं, एक डीसी सोर्स और एक एसी सोर्स। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट और एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। तो सबसे पहले हमें ये देखना, डिफरेंस समझना ज़रूरी है कि डीसी किसे कहते हैं और एसी किसे कहते हैं। तो हम नीचे चलते हैं। डीसी सिग्नल वो सिग्नल है जिसकी वैल्यू, जिस सिग्नल की कोई भी फ्रिक्वेंसी नहीं होती है, मतलब कि वो सिग्नल जिसकी फ्रिक्वेंसी की वैल्यू ज़ीरो है और वो टाइम के साथ नहीं डिपेंड कर रहा है, कॉन्स्टेंटली फ्लो कर रहा है, उसे हम बोलेंगे डीसी सिग्नल। और वहीं वो सिग्नल जो कि कंटिन्यूसली टाइम के साथ बदल रहा है, उसे हम बोलेंगे अल्टरनेटिंग सिग्नल, अल्टरनेटिंग करंट या एसी सिग्नल। इस सिग्नल की फ्रिक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है? नॉन ज़ीरो,
फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है आवर्ती, मतलब कि वो सिग्नल अपने आप को कितनी बार रिपीट कर रहा है एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद में वो अपने आप को दोहरा रहा है, इसे ही बोलते हैं हम उसे हम बोलते हैं फ्रिक्वेंसी, कि वो कितनी बार अपने आप को दोहरा रहा है, फ्रिक्वेंट कितना है, आवर्ती कितनी है उसकी। और जिस सिग्नल की आवर्ती होती है वो एसी सिग्नल कहलाया जाता है। तो हमारे इसी तरीके से सिग्नल के ऊपर डिपेंड करते हुए दो तरह के सोर्सेज होते हैं, एक होता है डीसी सोर्स और दूसरा होता है एसी सोर्स। तो यहाँ देखिए डीसी वोल्टेज सोर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, एक बैटरी से, और एसी सोर्स के लिए एक साइनोसॉइडल सिग्नल का उसका रिप्रेजेंट किया गया है। एसी सिग्नल को हमेशा ऐसे साइनो वेव फॉर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है और डीसी सिग्नल को बैटरी से। तो अकॉर्डिंग टू आइडियल कंडीशंस, आइडियल वोल्टेज सोर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये, मतलब कि जैसे सपोज कीजिए ये एक सर्किट है, इसमें ये डीसी वोल्टेज सोर्स लगाया है, आउटपुट वोल्टेज हम यहाँ ले रहे हैं और इसमें ये आई करंट फ्लो हो रहा है। तो आदर्श वोल्टेज सोर्स की कंडीशन ये होती है कि उसके अंदर से करंट कितना भी फ्लो करे आउटपुट में एक फिक्स वोल्टेज वो देगा, वो वोल्टेज की वैल्यू करंट पे डिपेंड नहीं करेगी, मतलब एक कांस्टेंट वोल्टेज आउटपुट में दे उसे हम आदर्श वोल्टेज सोर्स कहते हैं। और वहीं अगर साइनोसॉइडल सिग्नल लगा हुआ है तो वो एक आइडियल एसी सोर्स बन जाएगा, एसी वोल्टेज सोर्स। बट प्रैक्टिकल सिचुएशन के अंदर ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं मिलता। प्रैक्टिकल के अंदर क्या होता है कि देखिए यहाँ पे जो भी हमारा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेज होंगे उनका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, जो कि यहाँ हमने रिप्रेजेंट किया है आरएस से। ये जो आरएस की वैल्यू है ये है इंटरनल सोर्स रेजिस्टेंस, ये वोल्टेज सोर्स के सीरीज में लगा है। तो अब जो वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज हमें मिलेगा वो उसकी वैल्यू धीरे धीरे टाइम करंट के साथ में कम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि कुछ वोल्टेज ड्रॉप इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी हो जाएगा। इसलिए आप यहाँ इक्वेशन देख सकते हैं जो Vs है वो कहाँ कहाँ डिवाइड हो रहा है, एक तो RS के अक्रॉस और एक आउटपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Vs माइनस आई इंटू RS। तो जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ेगी आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू घट जाएगी, इसलिए प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं करंट के साथ वैल्यू धीरे धीरे वोल्टेज की डिक्रीज हो जाती है। यहाँ पे ये एसी सोर्स दिखाया गया है जिसका इंटरनल इम्पिडेंस हमने ZS से रिप्रेजेंट किया है। तो इस तरीके से जो प्रैक्टिकल सोर्सेज होते हैं, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेज होते हैं, उनका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है, और हमेशा वोल्टेज के केस में इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में लगता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉम्बिनेशंस हमें कैसे कैसे मिलते हैं। तो जैसे सपोज़ कीजिए अगर एक ही ब्रांच में, जो कि मैंने पहले बताया था कि वोल्टेज सोर्स वोल्टेजेस हमेशा पैरेलल के अंदर जो समांतर ब्रांचेज होती है उनमें इक्वल होता है, वहीं जो सीरीज़ होगी एक श्रेणी में अगर दो या दो से अधिक वोल्टेज सोर्सेज लगे हैं तो वो आपस में ऐड हो जाते हैं। वहीं यहाँ पे बताया गया है कि जैसे सपोज़ कीजिए किसी सर्किट में हमें ऐसा मिले कि दो या दो से अधिक सीरीज़ में वोल्टेज सोर्सेज लगे हैं तो हम उन्हें एक सिंगल वोल्टेज सोर्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दोनों का क्या हो जाएगा, एडिशन होगा, और एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा जो कि यहाँ किया गया है वो डिपेंड करता है दोनों वोल्टेज सोर्सेज की पोलैरिटी पे। पोलैरिटी का मतलब क्या होगा, ये प्लस माइनस साइन पे डिपेंड करेगा। अब इस ब्रांच में देखिए प्लस माइनस मतलब ये एक ही सिंबल, एक ही पोलैरिटी के सिग्नल्स, पोलैरिटी के सोर्सेज हैं, तो उन ये दोनों ऐड हो जाएंगे। वहीं यहाँ पे देखिए ये प्लस माइनस और ये फिर माइनस प्लस, अपोजिट पोलैरिटी के लगा दिया तो ये दोनों यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो गए। तो हम ऐसे एक दो या दो से अधिक जो सिग्नल सोर्सेज लगे होंगे उनको हम एक सोर्स में बदल सकते हैं। वहीं पैरेलल के अंदर दोनों वोल्टेज सोर्सेज इक्वल ही होंगे, अगर दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं हैं तो वो सर्किट ही इनवैलिड हो जाएगा, अदरवाइज दोनों ब्रांचेस में एक ही वोल्टेज सोर्स लगा होगा और दोनों को हम इक्वल करके एक ब्रांच से रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं
अगर वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स दोनों पैरेलल में लगे हैं तो कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम करंट को रिप्लेस हटा सकते हैं, सिंपल वोल्टेज सोर्स को ले लेंगे। नेक्स्ट वी डील विथ करंट सोर्सेज। तो जैसे वोल्टेज सोर्सेज दो तरह के होते हैं, एक एसी सोर्स और डीसी सोर्स, उसी तरीके से करंट सोर्सेज भी दो तरह के होते हैं, डीसी करंट सोर्सेज और एसी करंट सोर्सेज। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट आइडियल करंट सोर्स, मतलब कि आदर्श करंट सोर्स धारा का स्रोत क्या होगा और प्रैक्टिकल धारा का स्रोत कैसा होगा। तो जो आइडियल करंट सोर्स होता है, अगर हम डीसी की बात करें तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, मतलब कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस उसका इनफाइनाइट होता है, तो सीरीज़ में या उसके पैरेलल में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता है, उसे एक ओपन सर्किट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उस केस के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ये होते हैं कि जो धारा का स्रोत है, जितनी वो उसकी वैल्यू है वो उतनी ही आउटपुट में दे रहा है, वोल्टेज के बदलने से उसकी करंट की वैल्यू में कोई भी बदलाव नहीं होता। जो करंट का सोर्स होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक एरो सिंबल से। तो ये एरो की डायरेक्शन बताती है, ये एरो की डायरेक्शन बताती है कि करंट का फ्लो किधर से किधर हो रहा है, मतलब ये बता रहा है ये नीचे से ऊपर की ओर करंट जा रहा है। तो ये एरो की डायरेक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। तो ये हो गए हमारे आइडियल कंडीशंस। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट प्रैक्टिकल करंट सोर्सेज। तो प्रैक्टिकल करंट सोर्सेज क्या होगा, मतलब कि प्रैक्टिकल जो करंट सोर्स है उसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा जो कि उसके पैरेलल में लगेगा। जब वोल्टेज सोर्स की बात की गई थी तो वोल्टेज सोर्स के केस में उसका जो रेजिस्टेंस था वो सीरीज में लगा था, लेकिन वहीं हमारा करंट सोर्स के लिए उसका रेजिस्टेंस किस में लगेगा, पैरेलल में लगेगा। तो इस तरीके से जो हमारा करंट है, सोर्स का करंट है, वो दो ब्रांचेस में डिवाइड होगा, एक तो फाइनल करंट I और एक I डैश जाएगा जो कि आपके RS में से होता हुआ जाएगा। तो इस तरीके से अब आप देख लीजिए, जो पहले एक करंट सोर्स था वो कहीं बट नहीं रहा था, पूरा फाइनल जा रहा था, अब वो करंट सोर्स इस ब्रांच में आने की वजह से बट गया है, फाइनल के अंदर से कुछ कम हो गया है। इसलिए जब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो आप देखिएगा कि आउटपुट करंट हमारा डिक्रीज होता जाता है जैसे जैसे वोल्टेज की वैल्यू बढ़ती जाती है। ये हमारा एसी करंट सोर्स दिखाया गया विथ इंटरनल इम्पिडेंस ZS। तो जैसे जैसे वोल्टेज की वैल्यू बढ़ेगी, करंट की वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाएगी। अब हम कॉम्बिनेशंस ऑफ करंट सोर्सेज देखते हैं कि करंट हमेशा पैरेलल के अंदर ऐड होता है और सीरीज़ में सेम रहता है। तो अगर दो करंट सोर्सेज पैरेलल में लगे हुए हैं तो उनको हम एक करंट सोर्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बशर्ते दोनों करंट सोर्सेज की जो डायरेक्शन है वो सेम होनी चाहिए। अब ये देखिए, दोनों करंट सोर्सेज ऊपर की तरफ है इनके एरो, तो दोनों ऐड होके एक सोर्स से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वहीं अगर ये करंट सोर्सेज की डायरेक्शन बिलो होती, अपोजिट होती एक दूसरे के, जो कि नेक्स्ट में दिखाई गई है, तो उस केस के अंदर हमारा जो आउटपुट करंट होता वो, अगर I1 की वैल्यू ज़्यादा है तो I1 माइनस I2 हो जाएगा, अगर I2 की वैल्यू ज़्यादा है तो I2 माइनस I1 होके एक सिंबल से हम रिप्रेजेंट कर देंगे। नेक्स्ट आता है हमारा, अगर दो करंट सोर्सेज सीरीज में लगे हैं तो दोनों इक्वल होंगे एक दूसरे के और उनको हम एक वैल्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, I1 इक्वल्स टू I2। नेक्स्ट हम देखते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि जैसे हमारे सर्किट के अंदर वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स होते हैं, तो दोनों को हम सिंप्लीफाई करने के लिए या उस सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए हम उन सोर्सेज को, उन स्रोत को आपस में बदल सकते हैं। तो वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स को आपस में बदला जा सकता है। जैसे कि हमारा वोल्टेज करंट सोर्स है म्यूचुअली ट्रांसफरेबल है, मतलब कि ट्रांसफरेबल का मतलब क्या हुआ कि जैसे यहाँ एक सर्किट लगा है जिसके अंदर एक वोल्टेज सोर्स है प्रैक्टिकल, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है RV, उसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है ILV। अगर मुझे इस करंट को
इस वोल्टेज सोर्स को इस सर्किट करंट सोर्स से रिप्लेस करना है तो मुझे क्या फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं इसको इस सर्किट को इस सर्किट से रिप्लेस कर सकती हूँ, और कंडीशन क्या है, दोनों के जो रेजिस्टेंस होंगे वो इक्वल होंगे। अब आप ये नहीं बोल रहे हैं कि इक्वल होंगे तभी हम रिप्लेस कर सकते, ये नहीं। मुझे मैं दोबारा रिपीट करती हूँ इस चीज़ को। जैसे हमारा ये एक सर्किट दिया गया है, ओके, हमको किसी सर्किट के अंदर इस पार्ट को इस पार्ट से रिप्लेस करना है, तो आप रिप्लेस कर सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, जो सीरीज़ में रेजिस्टेंस लगा गया था वो आप पैरेलल में लगा देंगे। मतलब क्या हुआ, दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। दूसरा, जो V को आपको I से रिप्लेस करना है उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, आपको पता है V इक्वल्स टू IR होता है, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V बाई R। तो इस तरीके से V और R की वैल्यू से आप I की वैल्यू निकालेंगे और उस I के साथ में R को पैरेलल में लगा के आप सर्किट बनाएंगे। तो इस तरीके से हम V इक्वल्स टू IR सिर्फ ओम्स लॉ से जो वोल्टेज सोर्सेज का वोल्टेज सोर्स को हम करंट सोर्स में रिप्लेस कर देंगे और करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में रिप्लेस कर देंगे। तो दोनों सर्किट को आपस में रिप्लेस किया जा सकता है, यू नीड टू जस्ट फोकस ऑन V इक्वल्स टू IR। तो इस ओम्स लॉ के फॉर्मूले से आपके पास में अगर I है तो आप V की वैल्यू निकाल लो, अगर आपके पास V है तो I की वैल्यू निकाल लो, R आपके पास है ही, और दोनों सर्किट्स में सेम रेजिस्टेंस यूज़ किया जाएगा। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से हम अगर कोई प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स V इंटरनल विथ इंटरनल रेजिस्टेंस आर वी अगर सीरीज़ में लगा गया हो और उनमें से करंट आई एल भी फ्लो कर रहा है, तो हम उस सर्किट को, उस वोल्टेज को करंट सोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं, करंट सोर्स आई से जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस उसके पैरेलल में लगा होगा और वो सेम होगा जो कि वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज़ में लगा है, ओके। तो दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होंगी, हमारी सेम होंगी। लेट्स सी एन एग्जांपल, एग्जांपल देखते हैं हम। यहाँ पे हमारे तीन ये एक सर्किट है जिसके अंदर तीन हमारे चार सोर्सेज लगे हैं। आप देखिए, एक है हमारा वोल्टेज सोर्स और तीन है आपके करंट सोर्स, ओके। तो अब इस सर्किट के अंदर से आपको आई नॉट की वैल्यू निकालनी है, मतलब सर्किट के अंदर से जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो आपने क्या करना है, आपको करना है सिंपली, हम इस सर्किट के अंदर से इस आई नॉट की वैल्यू आपको निकालनी है। तो हम इस सर्किट में क्या करेंगे, ये जो तीनों पहले तीनों जो करंट सोर्सेज हैं, इन तीनों करंट सोर्सेज को वोल्टेज सोर्सेज में बदलेंगे, ओके। तो सबसे पहले हम अलग अलग ले लेते हैं, तीनों सोर्सेज को हम अलग अलग ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया 1 ओम और 1 एम्पियर का करंट सोर्स। अब इस 1 ओम 1 एम्पियर के करंट सोर्स को हमें वोल्टेज सोर्स में बदलना है। तो यहाँ पे जो 1 ओम का रेजिस्टेंस है वो तो सेम हमने 1 ओम के रेजिस्टेंस से सीरीज़ में लगा दिया, जो पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा हुआ था इसको हमने यहाँ पे सीरीज़ में लगा दिया। अब हमें इस 1 एम्पियर का जो करंट सोर्स है इसको वोल्टेज सोर्स में बदलना है। तो I की वैल्यू 1 एम्पियर, R की वैल्यू 1 ओम, V इक्वल्स टू IR, I और R की वैल्यू रखी, V इक्वल्स टू 1 वोल्ट आ गया। तो हमने क्या किया, इस वोल्टेज सोर्स को जो 1 वोल्ट वैल्यू आई उसको 1 ओम के साथ में सीरीज़ में लगा दिया और इस सर्किट को इसमें बदल दिया। तो इस तरीके से हमारा ये सर्किट बन गया। नेक्स्ट, हम जो हमारा 2 ओम और 3 ओम वाला सर्किट है उसको भी हम इसी तरीके से रिप्लेस करेंगे। तो सेम हमको क्या फॉलो करना है, सिर्फ V इक्वल्स टू IR हमको फॉलो करना है। सिमिलरली हमारा 1 ओम का रेजिस्टेंस विथ 2 एम्पियर का करंट सोर्स लगा है। तो पहले ऊपर वाले में देखिए, हमने जो ये 1 ओम का 1 एम्पियर की जो करंट सोर्स थी इसकी एरो की डायरेक्शन देखिए ऊपर की तरफ है, राइट। तो जो एरो की डायरेक्शन होती है वो तो शो करता है प्लस को, और जो टेल होती है, पूंछ होती है, वो माइनस को, क्योंकि करंट हमेशा, जैसे देखिए आपने ये कोई भी सर्किट लगाया है,
ये है इसकी प्लस साइड और ये है माइनस साइड, वोल्टेज सोर्स लगाए तो करंट की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, वो हमेशा बैटरी के पॉजिटिव साइड से निकलता है। तो बैटरी की जो साइड पॉजिटिव होगी वहाँ पे ही करंट का एरो का साइन होगा, इसलिए हमने यहाँ पे जो एरो की करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ थी तो ऊपर टर्मिनल हमने पॉजिटिव रखा बैटरी का और नीचे नेगेटिव रखा। नेक्स्ट हमारा 2 एम्पियर का जो करंट सोर्स है और 1 ओम का रेजिस्टेंस है उसको हम वही वोल्टेज सोर्स में बदलेंगे। 1 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसको एज इट इज़ हमने 1 ओम के रेजिस्टेंस से 1 ओम का रेजिस्टेंस जो पैरेलल में लगा था वो हमने सीरीज में लगा दिया और 2 एम्पियर को हमने 2 वोल्ट में बदल दिया। कैसे बदला, आई इक्वल्स टू 2 R = 1 तो V इक्वल्स टू IR दैट इज़ 2 वोल्ट। नाउ सी द डायरेक्शन ऑफ करंट सोर्स, करंट सोर्स के अंदर अब एरो की जो डायरेक्शन है वो है नीचे की ओर, तो जो नीचे वाला साइन है उसको हमने प्लस से रिप्रेजेंट किया और जो टेल थी उसको माइनस से, तो इस तरीके से बैटरी का साइन अब बदल गया। नेक्स्ट आता है हमारा ये जो 3 एम्पियर का करंट सोर्स और 1 ओम का रेजिस्टेंस, तो इसको हम क्या करेंगे, 3 वोल्टेज और 1 ओम से रिप्रेजेंट कर देंगे। करंट सोर्स की जो एरो की डायरेक्शन है वो हमारी प्लस हो गई, टेल हो गई, माइनस हो गई। तो अब हमारा जो नया सर्किट बना वो कैसा बन गया, ये बन गया हमारा नया सर्किट। इसके अंदर देखिए ये 10 वोल्ट और 1 ओम का रेजिस्टेंस एज इट इज़ है, प्लस 1 वोल्ट और 1 ओम का रेजिस्टेंस को हमने उस करंट सोर्स से रिप्लेस कर दिया। 2 एम्पियर और 1 ओम का जो सर्किट था पैरेलल सर्किट उसको हमने इस सर्किट से रिप्लेस कर दिया इस वोल्टेज सोर्स से, और सिमिलरली यहाँ पे अब हमारे ये देखिए वोल्टेज सोर्सेज की डायरेक्शन, वोल्टेज सोर्सेज की पोलैरिटी सेम होनी चाहिए। तो ये 1 वोल्ट ऊपर था प्लस में, 2 वोल्ट माइनस ऊपर था, और ये 3 वोल्ट का अगेन प्लस में लगा दिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे KVL लगाया है लूप में। आपको KVL नेक्स्ट यूनिट है हमारी किरचॉफ वोल्टेज लॉ, उसके अंदर क्या किया जाता है, किसी भी लूप में जितने भी वोल्टेज सोर्सेज हैं और करंट है उनको जितने भी वोल्टेज ड्रॉप होगा हर एक पैरामीटर के अक्रॉस उन सब का सम इक्वल टू 0 कर दिया जाएगा। तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है कि हमने अभी लास्ट में पढ़ा था कि एक ब्रांच के अंदर एक या एक से अधिक वोल्टेज सोर्सेज लगे हैं तो हम उन सबको मिला के रिप्लेस कर सकते हैं सिंगल वोल्टेज से, लेकिन उसकी पोलैरिटी पे डिपेंड करा जाएगा। अब आप यहाँ से देखिए ये दोनों जो वोल्टेज सोर्सेज हैं ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये तो आ गया 1 - 2, मतलब कि 1 - 2, तो ये हो गई वैल्यू -1, और -1 आएगा तो एरो की डायरेक्ट साइन कैसा बन जाएगा, ये माइनस ये प्लस, ये आ गई। अब ये माइनस प्लस और फिर ये प्लस माइनस, ये फिर से आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके, देखो ये सीरीज में लगा है इसके प्लस माइनस 3, तो ये वैल्यू देखिए आप, अब आपका सर्किट बन गया है वन वोल्ट और 3 वोल्ट्स। अब पोलैरिटी देखिए, माइनस प्लस एंड देन प्लस माइनस, अगेन सब्ट्रैक्ट होगा तो वैल्यू आ जाएगी 1 - 3 दैट इज 2, और 2 होके रिप्लेस हो जाएगा सर्किट, प्लस माइनस वाला बड़ा है तो हम इसको 3 - 1 होके ये वैल्यू बन गई आपकी प्लस माइनस एंड 2 वोल्ट। नाउ दिस प्लस माइनस एंड ये जो है ये आपका होगा प्लस माइनस और माइनस प्लस, तो फिर से आपकी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो 2 - 10 10 - 2 तो दैट इज़ वैल्यू आ जाएगी आपकी 8 वोल्ट। तो इस तरीके से टोटल हम इसका वोल्टेज सोर्स निकालेंगे तो वोल्टेज सोर्स पूरे सर्किट का आ जाएगा 8 वोल्ट, और टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में कितना लगा है, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 तो 4 ओम, तो 8 = 4I
और I की वैल्यू हो जाएगी 8/4 दैट इज 2 एम्पियर। तो ये तो हमने सर्किट को रिजॉल्व करके वैल्यू निकाली। और अगर आप डायरेक्ट KVL से निकालें तो KVL वैसे तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी, बट हम इसको यहाँ से देख सकते हैं KVL लगाने के सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस इन द लूप इज इक्वल्स टू जीरो। तो हम ऊपर यहाँ जैसे एरो की डायरेक्शन है करंट की I नॉट की, वैसे हम चलेंगे 10 माइनस I नॉट 1 माइनस 1, 10 माइनस I नॉट माइनस 1 माइनस I नॉट प्लस 2 माइनस I नॉट माइनस I नॉट माइनस 3 इज इक्वल्स टू जीरो। तो इस तरीके से हमारी वैल्यू आ जाएगी 8 माइनस 4 आई नॉट, 8 इज इक्वल्स टू 4 आई नॉट, आई नॉट इज इक्वल्स टू 8/4 दैट इज 2 एम्पियर। तो आप ये जो आई नॉट इंटू 1 जहाँ जहाँ भी लिखा हुआ है ये बता रहा है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस। तो वी इक्वल्स टू क्या होता है आई आर, वही वैल्यू हमने यहाँ लिखी है। तो जो न्यूमेरिक वैल्यू है 10, 1, 2 और 3 ये तो वोल्टेज सोर्सेज की वैल्यू लिखी हमने पोलरिटी के अकॉर्डिंग, और ये जो I नॉट इंटू 1 लिखा है ये वोल्टेज ड्रॉप लिखा है अक्रॉस रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू है 1, करंट उसमें से फ्लो हो रहा है I नॉट, तो वोल्टेज ड्रॉप हो गया I नॉट इंटू 1। तो इस तरीके से हमने सारी करंट सारी इक्वेशंस लिखी और फाइनल I नॉट की वैल्यू निकाली 2 एम्पियर। तो दिस इज़ द मेथड टू शो कि जो इतना बड़ा सर्किट था हमारा, उस सर्किट को हमने, ये जो सर्किट था इसके अंदर हमें I नॉट की वैल्यू निकालनी थी, उसको हमने इस सर्किट से सिंपल सर्किट से रिप्लेस किया विद द हेल्प ऑफ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक। थैंक यू।